गरियाबंद जिले में नक्सलियों को लेकर आत्मसमर्पण के लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, शासन के द्वारा दिए जाने वाले राहत की खबर उन तक पहुंचाई जाए जिससे नक्सली आत्मसमर्पण के लिए सामने आए और जिला नक्सल विहीन हो जाए। वे चाहती है गरियाबंद जिला पूरी तरह अपराध मुक्त हो, जिसके लिए वे प्रयास करेंगी। गरियाबंद जिले में अगर कुछ गलत हो रहा है तो पत्रकार उन्हें अवगत कराए, क्योंकि यह जिला पूरी तरह आप लोगों का है। हम तो यहाँ कुछ समय के लिए आते हैं और हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा हम करेंगे। क्षेत्र में हीरा व गांजे की तस्करी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रयास करेंगे कि उड़ीसा सीमा पर ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए कि सीमा पर लगातार सतर्कता के साथ नजर रखा जाए। नक्सली इलाका है गरियाबंद से देवभोग का पूरा एक्सेस, वहाँ के फॉरेस्ट के इश्यूज, हीरा खदान के इश्यूज, उड़ीसा बॉर्डर के इश्यूज, इन सबको ठीक तरीके से इसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको समझ के आगे की स्ट्रैटेजी मैं उसमें प्लान करूँगी। स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, मैं खुद भी बच्चियों से हमेशा इंटरेक्ट करना पसंद करती हूँ जिससे कि उनका डायरेक्ट फीडबैक मिल सके, तो महिला सुरक्षा में मैं डेफिनेटली। नक्सल क्षेत्र में पहली बार पोस्टिंग हुई मैडम, क्या क्या विजन है, कैसे करनी है? गरियाबंद क्योंकि एक नक्सली इलाका है और मेरा ये पहला जिला है जहाँ पे मुझे इस प्रकार का अनुभव मिलेगा, तो मैं डेफिनेटली इसके लिए बहुत सजग हूँ। मेरी एक जो प्रायोरिटी होगी वो ये ज़रूर होगी कि अगर कोई नक्सली हैं जो यहाँ पे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उसको हम लोग प्रेरित करें और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें। साथ ही साथ हम लोग CRPF और बाकी पैरामिलिट्री के साथ मिलकर जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं उनके भी लेवल को बढ़ाएंगे और उनके साथ बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके जिससे कि जो भी इनपुट्स आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पे उस पर एक बेहतरीन एक्शन हो सके। हीरा खदान में काफ़ी 1600 हीरे पकड़े गए हैं, इस पर तस्करी हो रही है, इस पर हीरा खदान के क्षेत्र को मैं शीघ्र ही विजिट करूंगी और वहाँ की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें किस प्रकार से पेट्रोलिंग बढ़ाना आवश्यक है, कहाँ से लीकेजेस हो रहे हैं, इसको स्टडी करके मैं अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगी और अगर कोई भी इसमें कोताही हो रही है किसी प्रकार की तो अगर कोई संबंधित हैं उनकी खैर नहीं रहेगी।